नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे राज्य की जो कृषि विभाग है उसमें राजस्थान कैडर के लिए एक नई भर्ती निकली है LDS और MTS के पदों के लिए। तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 3694 है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी जो ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस वो कब से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन की अंतिम तिथि कब है, और जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा कौन सा रहेगा, और इसके अलावा जो ये भर्ती है वो राजस्थान कैडर के लिए ही है, आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है, इन सब के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुँच सके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो जो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य की कृषि विकास निगम लिमिटेड जो कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार का, ठीक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है और इसका जो कार्यालय है वो किसान भवन नया पल्ली भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा में पड़ता है भुवनेश्वर में। टोटल जो पोस्ट है इसमें यहाँ पे MTS और LDC की मिलाकर 3604 और 190 3694 टोटल पोस्ट है। और ये जो भर्ती है वो राजस्थान डिवीजन मल्टी, ठीक है, तो राजस्थान डिवीजन के लिए है, मल्टीटास्किंग जिसको MTS बोलते हैं, और LDC के पदों के लिए है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की जो तिथि है वो 13 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक है, और ऑनलाइन जो प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय वो भी 2 सितंबर है, ठीक है। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको पर हम वो नोटिफिकेशन जो हमने डाउनलोड किया है उसके बारे में हम यहाँ पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, जो पूरा नोटिफिकेशन है जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कैसे आपको फॉर्म भरना है, और अगर आप भी ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ नोटिस है, राज्य की कृषि विकास निगम का है, वही सेम डेट दे रखी है यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होगा 13 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद में जो इनकी पोस्ट है MTS, इसका जो ग्रेड पे है वो 1800 रुपीज़ है, और LDC 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400 रुपये है। MTS की 3604 पोस्ट हैं और LDC की 190 पोस्ट हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो ये है यहाँ पे भी आप इसका नोटिस चेक कर सकते हैं, या जो इसकी वो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे MTS है और LDC है। ये जो जो परमिशन डिसेबिलिटी हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं PWD कंडीशन, उनके लिए अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है उन्होंने, वो दे रखी है यहाँ पे। नेशनलिटी सिटीजन जो कैंडिडेट है वो इंडियन होना चाहिए, ठीक है, नेपाल भूटान का भी हो सकता है, ये सब सेम प्रोसेस है वो वाली। एज लिमिट अगर आपकी देखें यहाँ पे तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज रिलेक्शन है कैटेगरी वाइज अलग अलग दे रखा है, SC ST का अलग है, OBC PWD और XL में इन सबको अलग अलग उम्र में छूट दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन पर जो MTS है इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। LDC के लिए आपको हायर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर हिंदी में टाइपिंग, बहुत ही अच्छी जॉब है, कोई वर्कलोड नहीं है, टाइपिंग स्पीड भी ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है, 25 वर्ड पर हिंदी में है, और 12वीं पास। ऑनलाइन जो आवेदन आपको करना है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जो पूरी प्रोसेस है वो उन्होंने यहाँ पे बता रखी है, फर्स्ट और सेकंड दो एनेक्जो हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका हमें जो फोटो है वो साइज इन्होंने 20 से 50 KB का बता रखा है, और 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का फोटो होना चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST इन सब के लिए, इसके अलावा फी पे पहले 250 रुपये किन किन के लिए, जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। तो 100 रुपये SC ST एक्सपेरिमेंट और जो PWD है पर्सन विद डिसेबिलिटीज उनके लिए 100 रुपये, इसके अलावा जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ फीस की तिथि भी वही 2 सितंबर लास्ट है। फॉर्म जो आपको फिलअप करना है, जो फिजिकल लिमिटेशन है उन इस प्रकार आपके एक सर्टिफिकेट बनेंगे, वो अगर आप बनवाना चाहें तो जो जैसे PWD में जो कैटेगरी में आते हैं वो इन एक मतलब यहाँ पर उसका परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। ऑन स्क्राइब का जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरा जाता है वो यहाँ पे दे रखा है। अब हम बात करेंगे पूरी जो फॉर्म भरने की प्रोसेस कैसे है, आपको प्रोसीजर यहाँ पे बता रखी है ऑनलाइन। सबसे पहले फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको सबसे पहले आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में एक OTP आएगा, वो आपको जनरेट करना है। इन्फॉर्मेशन जो आपको भरनी हो 10th क्लास का अकॉर्डिंग, आपके नाम, रो नंबर है उसकी, और ईयर ऑफ पासिंग भरनी है आपको। उसके बाद में 12th की भी रो नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, और डिसेबिलिटी अगर सर्टिफिकेट नंबर है तो वो भी आपको वहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद बेसिक डिटेल्स हैं पूरी, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो सेकंड लेवल है
उसमें आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, आपके थंब, आपके जो सिग्नेचर हैं वो सब अपलोड करना है। ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे इस प्रकार आपको चलती रहेगी। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट होगा, उसके बाद में आपको दोबारा से साइन इन करना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा जॉब अप्लाई फॉर, ठीक है ना। बेसिक डिटेल भरनी है, फिर पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको पूरी बेसिक डिटेल भरनी है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आपको भरनी है यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरीज हैं वो सारा है, पत्राचार पता, कोरस्पॉन्ड, जो एड्रेस होता है अपना पूरा। इस प्रकार इन्होंने पूरी जो ये फॉर्म है इसमें पूरी डिटेल बता रखी है आपको, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। जैसे फिर अब यहाँ पर्सनल डिटेल आ गई, फिर क्वालिफिकेशन आएंगी, फिर आपकी आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर प्रीव्यू एंड पेमेंट सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं ये, और ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे या ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। जैसे सबसे लास्ट में आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे साइन कर दिया, ये प्रीव्यू आएगा आपके। इस प्रकार आप प्रीव्यू चेक करेंगे, अगर आपको कहीं कुछ लगता है गलत है तो आप एडिट करके उसमें दोबारा से डिटेल फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑनलाइन जो फीस भरनी है वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी से फिलअप कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख लें जो आगे आपको काम आएगा। तो एक भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है, राजस्थान कृषि, जो राज्य के कृषि विभाग होता है उसमें राजस्थान कैडर के लिए पोस्ट है, कोई वर्कलोड ज़्यादा नहीं है, अच्छी नौकरी है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है कोई टाइपिंग वाइपिंग में भी आपकी। इसकी अन्य जो भी कोई प्रोसेस आएगी आगे इस भर्ती में, जैसे कितने आवेदन जाते हैं और जो प्रोसेस है वो एग्जाम करवाते हैं या डायरेक्टली आपको टाइपिंग के लिए बुलाते हैं, तो कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक वो न्यूज़ भी पहुँचाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।